डिमांड फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं मांग फलन। कल हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में बात की थी और जितने डिटरमिनेंट्स हमने पढ़े थे उन सारे डिटरमिनेंट्स और आपकी जो क्वांटिटी है डिमांडेड क्वांटिटी जो है उन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशन जो होता है वही हमारा डिमांड फंक्शन कहलाता है। कल जो हमने जितने भी डिटरमिनेंट्स पढ़े थे वो और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है या डिमांड क्वांटिटी जितनी भी है उन दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन जो होता है वही क्या होता है हमारा डिमांड फंक्शन होता है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि द डिमांड फंक्शन रिफर टू अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। इट मींस मांग फलन जो होता है मांग और मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। वापस सुन लीजिए, द डिमांड फंक्शन रिफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। इट मींस मांग फलन जो होता है वह वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले जितने भी तत्व है उनके बीच में फंक्शन रिलेशन या फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। तो वह संबंध या वह फलनात्मक संबंध जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों और मांग के बीच फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है वह संबंध या वह फलन मांग फलन कहलाता है। जो ये डिफाइन करता है, जो ये रिफर करता है, जो ये शो करता है कि क्वांटिटी डिमांड और डिटरमिनेंट्स जितने भी है उनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मांग फलन कहलाएगा। मैंने आपके सामने जो मांग फलन जो होता है या डिमांड फंक्शन जो होता है उसको मैंने आपको यहाँ पर आइटम कर रखा है। QD इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन PR, Y और T। इट मींस QD है आपकी क्वांटिटी डिमांड जो आप डिमांड करोगे वो, और उसका F का मतलब है फंक्शनल रिलेशन। F जो है वो फंक्शनल रिलेशन को बताएगा, किसके बीच, प्राइस के बीच में जो भी आपकी डिटरमिनेंट्स जितने भी थे, पहला था उसकी खुद की प्राइस, दूसरा था रिलेटिव गुड्स की प्राइस, तीसरा था कस्टमर की इनकम जिसको हम वाई से शो करते हैं डिमांड फंक्शन में। इनकम जो होती है इसको आई एन सी ओ एम ई से शो नहीं किया जाता है, इसको वाई से शो किया जाता है। तो ये कंज्यूमर इनकम और टी जो थी वहां पर टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस था, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस अगर लिखना चाहो तो आप वो भी पी और नीचे एफ लगाकर लिख सकते हो। तो ये सारे आपके जितने भी डिटरमिनेंट्स जितने भी थे उनके बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो फंक्शन रिलेशन है वही क्या कहलाता है, आपका डिमांड फंक्शन कहलाता है। क्यूडी यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, एफ का मतलब होता है फंक्शन रिलेशन बिटवीन, और पी का मतलब होता है गुड्स की प्राइस या कमोडिटी की प्राइस, पीआर का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स की प्राइस, वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और टी का मतलब होता है टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो इनके बीच में जो फंक्शन रिलेशन जो होता है वही फंक्शन रिलेशन क्या शो करता है, डिमांड फंक्शन को शो करता है। लेकिन इसमें सबसे मेन की एलिमेंट या की फैक्टर जो होता है वो होता है उस गुड्स की खुद की प्राइस, कमोडिटीज प्राइस सबसे मेन होती है। इसीलिए हमने डिमांड इक्वेशन और लिखी है नीचे QD इक्वल टू फंक्शन रिलेशन बिटवीन प्राइस। इट मींस क्वांटिटी का और प्राइस का जो फंक्शन रिलेशन है वही क्या होता है इसमें शो किया जाता है डिमांड इक्वेशन के साथ। तो ये था हमारा डिमांड फंक्शन और ये थी हमारी डिमांड इक्वेशंस जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये है आपके डिमांड फंक्शन के दोनों फॉर्मूले या इक्वेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जो ये डिफाइन करेगा, जो ये शो करेगा कि जितने भी डिटरमिनेंट्स जितने भी हैं और जितनी भी क्वांटिटी डिमांड है उन दोनों के बीच में जो फंक्शन रिलेशन जो होता है वही क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है। और जिसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं QD इज इक्वल टू F प्राइस, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और T टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका फंक्शनल रिलेशन जो होगा वो होगा आपका डिमांड फंक्शन, और उसके इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं QD इज इक्वल टू FP फंक्शनल रिलेशन बिटवीन P। इट मींस सबसे मेन जो की एलिमेंट होता है वो प्राइस के साथ होता है, खुद की प्राइस के साथ, इसलिए QD इज इक्वल टू FP लिखा है मैंने, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये था आज डिमांड फंक्शन के ऊपर
हमारा बिल्कुल शॉर्ट नोट और बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आज आपको डिटरमिनेंट्स के साथ ही कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे डिमांड के शेड्यूल जो होते हैं उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, या मार्केट डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, लॉब्ड डिमांड क्या हो सकता है, या मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसमें क्या क्या डिटरमिनेंट्स यूज किए जाते हैं, उनकी क्या क्या अजम्पशन है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ, और हमारा नया सेशन रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ डिमांड के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है ये आपका, प्लीज इसको बहुत अच्छे से करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकूं। तब तक इकोजेट के साथ बने रहिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।